एडीजे क्राइम दिनेश जैमेन के निर्देश में बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि एजीटीएफ की सूचना पर हनुमानगढ़ में गैंगस्टर सागर को दबोचा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक मर्डर केस में फरार होकर हरियाणा आया था। और देखिए, हरियाणा का हार्डकोर सागर एजीटीएफ को मिला था। सागर के हनुमानगढ़ में पुणे का इनपुट भी यहाँ पर मिला और एजीटीएफ ने दिल्ली और हनुमानगढ़ पुलिस को इनपुट दिया। उसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस और हनुमानगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान गैंगस्टर सागर ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की और मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गैंगस्टर सागर को अस्पताल लाया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान एडीजी क्राइम दिनेश जैमेन पल पल की जानकारी यहां पर ले रहे थे। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण बने हुए। सत्यनारायण, पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। इंदु, देखिए, एमपी गवर्नर टास्क फोर्स को एक इनपुट मिला था कि गैंगस्टर सागर जो कि एक मर्डर केस के अंदर फरार चल रहा है, वो राजस्थान आया हुआ फरारी काटने के लिए, और इसी इनपुट को डेवलप किया गया और दिल्ली पुलिस को और हनुमानगढ़ जिला पुलिस को इस इनपुट से अवगत कराया गया। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करते हुए हनुमानगढ़ में जहाँ वो छिपा हुआ था वहां तक पहुंची। तो इस दौरान जब पुलिस कार्रवाई करी थी, उस दौरान जो बदमाश हार्डकोर है सागर, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी दवाई फायर किया, जिसके अंदर सागर को गोली लगने की सूचना है। फिलहाल जनरेटर सागर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है जिससे कि उसका इलाज कराया जा सके। तो सूचना आ रही हमारे पास, उसके पास हथियार भी मिले हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और हनुमानगढ़ पुलिस उसके इलाज के बाद में उसको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ की जाएगी। टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हार्डकोर बदमाश है ये, और कई आपराधिक प्रकरण इसके ऊपर दर्ज है और इस पूरी कार्रवाई हो रही है। पूरी कार्रवाई के ऊपर एडीजी क्राइम दिनेश जैमेन लगातार प्रवर्तित जानकारी ले रहे थे, और जब ये ऑपरेशन सफल हुआ उसके बाद में दिल्ली पुलिस और हनुमानगढ़ पुलिस ने दिनेश जैमेन का धन्यवाद बताया है कि जिस प्रकार से उनके इनपुट को डबक पड़ते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं। चलिए सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।